किसानों का है, मैं उसको भी अपनी बात रखूंगा, लेकिन हम लोग निजीकरण से शुरू करेंगे। निजीकरण जो है, भारत सरकार ने भी अभी अपने बजट में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर, कुछ हिस्सेदारी या कंपनियों को ही बेचकर जो है 1,73,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें दो बैंक हैं, एक बीमा कंपनी है गेल और बीपीसीएल जैसी बड़ी कंपनियां। इनमें कई फायदे वाली कंपनियां हैं जो अभी फायदे में चल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सरकार इसको क्यों बेचना चाह रही है। इसमें लाखों लोगों को टिकाऊ रोजगार मिले हुए हैं। अब ये पैसा जो सरकार से कलेक्ट करेगी, अब समझना ये कि उस पैसे का सरकार करेगी क्या, क्या उसे जनता की भलाई किसी काम में लगाएगी? जैसे हजारों की संख्या में सरकारी कॉलेज बनाए या हॉस्पिटल बनाए या और कोई काम। इसका एक साफ मतलब यह है कि सरकारी खजाने का मैनेजमेंट जो है, या तो उसमें सरकार ने घपला किया है या सरकार ने वो खजाना अपने लोगों पे लुटा दिया है, जिसका निजीकरण करके, अब निजीकरण करके जिसमें वो रुपए जुटाने का सरकार प्रयास करे जिससे कि सरकार चलते रहे। और मेरी राय में एक षड्यंत्र है जो सत्ता में बैठे लोगों ने रचा है लोकतंत्र को महंगा करके। अब चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है और वो करोड़ों रुपए जैसे भी किसी स्टेट में चुनाव होता है, सेंटर में होता है, सरकार उन्हें जुटाती है। अब भारतीय जनता पार्टी का आप देखोगे कि बड़े बड़े कार्यालय बने हैं अभी, और हर चुनाव में इनके विपक्ष का एक आधा हेलीकॉप्टर होता है, इनके सैकड़ों हेलीकॉप्टर होते हैं। तो देश तो इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा कहां से जुटा रही है? तो मुझे ऐसा शक है कि इन्होंने पूंजीपतियों से साठगांठ की कि आप हमें पिछले दरवाजे से मोटा चंदा देते रहे और हम उसके एवज में सरकारी कंपनियों को आपके हवाले करते रहेंगे, उनमें घाटा दिखाकर या उनको कमजोर करके और फिर उनपे उनके उनको उबारने का उपाय ना करके। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार फिर कैबिनेट प्रस्ताव लाके ये मालिकाना हक जो है वो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को दिलाना चाहती है, जिसके एवज में वो एक मोटा चंदा जो है लेती है। राजनीतिक दल जो भी है, वर्तमान की सरकार है, 1990 से आर्थिक सुधारों से निजीकरण को बढ़ावा मिला, लगभग 64 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, जबकि जो नौजवान पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ कर रही है। इसमें हमारी दूसरी समस्या भी है, वो ये है कि जैसे ही कोई कंपनी सरकारी होगी उसमें आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, यानी एक कंपनी जो सरकार द्वारा जनता के पैसे से बनाई गई थी वो निजी हाथों में चली जाएगी और आरक्षण जो है वहां नहीं मिलेगा। ऐसा मारुति और बाल्को में भी ऐसा पहले हो चुका है। इस तरह से आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार अपने साथियों उद्योगपतियों को सरकारी कंपनी सस्ते रेट में लुटा रही है, सस्ते दामों में जो है उद्योगपतियों को बेच रही है। यह हर लिहाज से गलत है, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, इस देश के वंचित समाज के लिए भी, इस देश के युवाओं के लिए भी और देश के गरीबों के लिए भी, क्योंकि सरकारी जो उपक्रम है उनमें गरीबों को थोड़ी सी सहायता मिलती है। सरकारी जो उपक्रम है वहां से सरकारी नीतियां जो है वो गरीबों के लिए, लाभ के लिए होती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो रेलवे आप इसका बड़ा उदाहरण है, और बर्बाद करने के लिए बीएसएनएल इसका बड़ा उदाहरण है। बीएसएनएल बर्बाद हुआ तभी तो जियो चल रहा है, और रेलवे इसलिए क्योंकि एक गरीब आदमी भी उसमें, एक अमीर भी उसमें सफर कर सकता है और एक गरीब भी सर्वाइव कर सकता है। सरकार गरीबों की आमदनी तो बढ़ाने से गई, लेकिन जो उनका जरिया था उसको भी जो है छीनने का काम करी। ये मेरी निजीकरण पे बात है। अब बात करेंगे लेटरल एंट्री की। तमाम युवा हैं उनमें बहुत आक्रोश है, और सबसे शर्मनाक ये है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बकायदा ट्वीट किया इस जानकारी के लिए कि मैं घोषणा करती हूँ, मानो देश के युवाओं के लिए उन्हें नौकरी का कोई अवसर दिया हो कि मैं नौकरियों की घोषणा करती हूँ, जबकि हमारे देश के जो और भी जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा युवाओं का, जबकि 51% युवा वाले देश में, युवा देश की रीढ़ है, उनको नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के बीच
केंद्र और राज्य सरकारों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, इन्हें सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए नियम बनाने में परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में इतना गंभीर समझा गया है कि उसे बकायदा संविधान का हिस्सा बनाया गया है। अब उसी का उल्लंघन करके चोर दरवाजे से यानी कि लेटरल एंट्री से के जरिए अपने अवसर भरे जा रहे हैं। तो ये इसलिए भी बुरा है कि अगर सरकार अपने चहेते लोगों को सिस्टम में बिठा देगी तो मुझे लगता है कि राजा ने दिन कहा तो रानी ने भी दिन कहा और मंत्रियों ने भी दिन कहा। राजा ने रात कही तो रानी ने भी रात कही और मंत्री ने भी रात कही और ये सुबह सुबह की बात थी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के चहेते लोग वहां बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि ना तो न्याय संगत कोई काम होगा, ना ही संविधान संगत कोई काम होगा, ना ही कानून के दायरे में कोई काम होगा। कई मामलों में हमने देखा भी है कि आंदोलन करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जबकि वहां लोहे की इतनी लंबी लंबी कीलें जो है वो गाड़ दी जाती है और उसके साथ साथ जो है वो वायर जो है वो वायर लगाया जाता है जो बॉर्डर पे लगा हुआ है। इसमें कुछ बड़ी समस्याएं जो है वो फ्यूचर में जो आने वाली उसको भी मैं आपकी जानकारी में रख देता हूं। एक तो ये संविधान का खुला उल्लंघन है क्योंकि अवसर की समानता के संवैधानिक सिद्धांत को पर लेटरल एंट्री एक हमला है। यहां इसमें अवसर की समानता नहीं, सरकार जिसे चाहेगी वो रखेगी। तो ये भी निजीकरण ही है। जो छात्र नौजवान इन नौकरियों के लिए कई वर्षों से दिल्ली में रहकर कठिन मेहनत कर रहे हैं, देश के कहीं भी किसी कोने में रहकर मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय का हक मारा जा रहा है। इस वजह से नौकरियों के अवसर लगातार खत्म हो रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट कंपनी के लोगों को सीधे सरकार में लाया जा रहा है। ये उन लोगों के साथ भी अन्याय है जो पहले से सेवा में और पदोन्नति पाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो पहले से लोग सेवा में है उनको संयुक्त सचिव बनने में अगर मैं बात करूं सेक्शन अधिकारी की तो उसको 25 से 30 साल लगते हैं। अगर मैं बात करूं आईएएस अधिकारी की तो संयुक्त सचिव बनने में एक आईएएस को लगभग 16 साल लगते हैं। तो वो गैर जिम्मेदार लोग जो सरकार रख रही है जिनके पास कोई ज्यादा अनुभव भी नहीं है, इस तरह की नियुक्तियों में कोई परीक्षा न होने से भ्रष्टाचार भाई भतीजेवाद में खुली छूट मिल जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया कि नियुक्ति में आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि अवसर की समानता का सिद्धांत यह है कि आरक्षण व्यवस्था रहेगी और सबको मौका मिलेगा। और ये बात लेटरल नियुक्ति की विज्ञापन में भी देखी जा सकती है, यानी लेटरल एंट्री आरक्षण के को बाईपास करने का जरिया बन गया है। 2019 में जो लेटरल भर्तियां हुई थी उनमें एक भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के व्यक्ति को कोई जगह नहीं दी गई थी। सरकार ने ना कोई विज्ञापन निकाला ना कुछ किया, अपने चहेते लोग वहां रख लिए थे। इससे सरकार के इरादे साफ है कि हमारी सरकार से आरक्षण खत्म करना चाहती है। हमारी सरकार से मांग है कि लेटरल एंट्री बंद कर दे और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सरकार आरएसएस का जो छिपा हुआ एजेंडा जैसे बहुत बार कहता है आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो सरकार आरक्षण को खत्म करने का जो है जो आरएसएस का एजेंडा था उस पर पिछले दरवाजे से काम कर रही है और खूब धन इकट्ठा करके यानी कि निजीकरण करके अथाय धन इकट्ठा करके सरकारी जो संसाधन है और देश सरकारी डिपार्टमेंट संसाधनों में कब्जा करके लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहती है, लोकतंत्र खत्म कर देना चाहती है। ये पूरा षड्यंत्र जो है चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग 7 मार्च को संसद का घिराव करेंगे। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देश के युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ की जाएगी और सरकार ये सोचेगी कि लोग। मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से ये घोषणा करता हूँ कि 7 मार्च को हम संसद का घिराव करेंगे और ये हमारे आंदोलन का पहला चरण है। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं जाएगी तो तानाशाही बरकरार रखेगी और इनको बेचने का प्रयास करेगी। पहली बात तो सरकारी किसी भी संपत्ति को हम लोग बिकने नहीं देंगे, ये ना तो सरकार ने बनाई, इस सरकार ने तो नहीं बनाई बिल्कुल भी, इन्होंने तो जब बेची है तो इससे देश कमजोर हो रहा आर्थिक रूप से, ये नहीं होने देंगे। तो सरकार होश में आ जाए और ये घोषणा जो उन्होंने की है ये बंद करें। सरकार के लोगों को बहुत पैसा है, आरएसएस के लोगों ने खूब बड़े बड़े दफ्तर बनाए हैं, उनको बेच के जो है सरकार इस पर देश को चलाने के लिए काम कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 7 मार्च को पहला चरण आंदोलन, उसके बाद पंचायतें जो है हम लोग जिला लेवल पे मंडल लेवल पे और प्रदेश लेवल पर करेंगे।
और ये आगामी जो भविष्य की जो रणनीति होगी आंदोलन को लेकर, वो बहुत सारे लोगों से डिसाइड बात करके प्रदेशों में हम लोग दो प्रण की तरह इस पर काम कर सकते हैं। लेटरल एंट्री बंद करो, तमाम खाली पद जो है वो भरे जाएं, जो बैकलॉग है। अंधाधुंध निजीकरण बंद करो, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करो, किसान विरोधी कानून वापस लो और MSP पे कानून पारित करो, क्योंकि 70 दिन से ज्यादा हो गए और किसान लाचार है। किस हालात में सरकार कोई परवाह नहीं, सरकार बस किलेबंदी कर रही है। सरकार जो है किसी की देसी नहीं है, एक एक करके सबका सबको कमजोर कर रही है और सबके कमजोर होने से देश कमजोर हो जाएगा। तो 7 मार्च को हमारा जो है संसद का घेराव है और उसके बाद जो भी आगे रणनीति होगी वो आपको प्रेस के माध्यम से सूचित